हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन आज की हमारी रेसिपी है पटेटो ट्विस्टर्स एकदम स्ट्रीट स्टाइल क्रिस्पी और चटपटे पटेटो पते ट्विस्टर्स बनाएंगे और बहुत ही डिलीशियस बनेंगे तो चलिए शुरू करते हैं बट बिफोर वी गेट इन टू द वीडियो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो को एंड तक देखिएगा लाइक जरूर कीजिएगा तो चलिए शुरू करते हैं तो ये मैंने चार आलू लिए मैंने छोटे साइज के लिए क्योंकि मेरे पास उनके जितना इतना बड़ा बर्तन नहीं है कि मैं इतने बड़े ट्विस्टर को फ्राई कर पाऊँ तो मैं छोटे बनाऊंगी इसलिए मैंने छोटे आलू लिए अगर आपके पास कोई बड़ी कढ़ाई या चौड़ा पैन है तो आप बड़े आलू ले सकते हैं ट्विस्टर्स के लिए उसके बाद मैंने ये स्क्यूअर लिया है जो हम तंदूरी टिक्का या चीजें बनाने के लिए यूज करते हैं अगर आपके पास ये नहीं है तो जो टूथपिक्स लंबे वाले वुडन टूथपिक्स आते हैं या वुडन स्क्यूअर्स भी आते हैं इजीली मार्केट में मिल जाते हैं आप वो भी ले सकते हैं वो लेके हम आलू के बीचों बीच ऐसे एक इसको स्क्यू कर देंगे अंदर डाल देंगे ये देखिए ऐसे अभी इसको एक चॉपिंग बोर्ड पे या किसी भी चीज पे आप रख लीजिए किचन प्लेटफॉर्म पे रख लीजिए और जो आलू का फर्स्ट स्टार्टिंग जो टॉप है वहां से हम इसको कट करना स्टार्ट करेंगे तो इस क्यूअर पहले डालने का फायदा ये रहता है कि आलू आर पार नहीं कटता और आपको ध्यान रखना है आपको अंदर तक बिल्कुल नहीं काटना है थोड़ा सा ऊपर तक काटना है बाद में हम हाथ से उसमें एडजस्ट कर लेंगे और इसको ऐसे टेढ़ा डाइग्नली कट करते चले जाइए जैसे देखिए मैं कट कर रही हूँ तो ऐसे हम इसको घुमाते हुए रोल करते हुए डाइग्नली कट करते चले जाएंगे तो इससे क्या होगा इसमें ट्विस्टर बन जाएगा और आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ऊपर से मशीन की आपको कोई जरूरत नहीं है अभी ये देखिए हमने बिना मशीन के है और धीरे धीरे हाथ से ऐसे इसमें स्पेस बनाते हुए इसको खोलना स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमने बहुत ज्यादा अंदर तक कट लगा देंगे ना तो कई बार क्या होता है वो कट लगाते टाइम कट जाता है तो वो सेपरेट हो जाता है तो उस चीज़ का ध्यान रखना है और धीरे धीरे इसको खोल लेना है तो ये देखिए एक ट्विस्टर हमारा रेडी है एक और मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ तो ये बिल्कुल तैयार है आप कट करने के बाद इनको पानी में छोड़ दीजिए एक तो जो एक्स्ट्रा स्टार्च होगा वो निकल जाएगा पानी में डालने के बाद दूसरा आलू काला नहीं पड़ता क्योंकि आलू को जब आप काट के रख देते हैं तो वो काला पड़ जाता है तो ये मैंने पानी में डाल के रख दिया जिससे उसका स्टार्च निकल जाए स्टार्च से निकलने से वो क्रिस्पी हो जाते हैं और ऐसे ही करके हम दूसरा कट कर लेंगे और जितने आपके पोटेटोज हमारी जो रेसिपी है जो स्लरी हम बनाएंगे उससे पाँच ट्विस्टर्स ईजिली बन जाएंगे तो पाँच पोटेटोज हम कट करेंगे और ये देखिए डाइग्नली उसको केयरफुली कट करते चले जाइए अगर आपको चाकू के बीच वाले पॉइंट से ऐसे लग रहा है कि वहाँ से नहीं कट रहा तो जो आगे का पॉइंट है ना उसका वहाँ से स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए वहाँ से इजीली कट जाता है वहाँ से अंदर तक चाकू नहीं जाएगा क्योंकि आपने पास से पकड़ा हुआ है तो उसमें जगह नहीं है अंदर जाने की तो उस चीज़ का ध्यान रखना है और धीरे धीरे इसको रोल करते हुए ट्विस्ट करते हुए ऐसे कट कर लीजिए तो ये देखिए ये भी कट चुका है और ऐसे करके अपने सारे ट्विस्टर्स अब हम रेडी कर लेंगे तो आपको किसी किसी मशीन की जरूरत नहीं पड़ी और आराम से आप अपने ट्विस्टर्स इजीली घर पे बना सकते हैं एक आधा बीच में टूट भी जाता है तो कोई बात नहीं आपको कोई दुकान पे जाके बेचना नहीं है बना के ही खाना है तो कोई इशू नहीं है और एक दो बार शुरू में ट्राई करेंगे तो टूटेगा कर, भी बट उसके बाद आराम से बन जाएगा तो ये भी हमारा एक और ट्विस्टर रेडी है ऐसे अब इनको मैं पानी में रख देती हूँ ताकि इनका स्टार्च निकल जाए और ये काले ना पड़े और तब तक आप तब तक अपनी स्लरी रेडी कर लेते हैं तो स्लरी के लिए मैं मैदा लूँगी सारी क्वांटिटीज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी आप वहाँ से चेक कर सकते हैं चौथाई कप मैदा और चौथाई कप कॉर्नफ्लॉर लिया है उसके बाद भुना जीरा पाउडर उसमें मैंने डाला है नमक काली मिर्च पाउडर थोड़ा सा चाट मसाला और अब मैं डालूंगी कश्मीरी लाल मिर्च अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है थोड़ी सी सिंपल लाल मिर्च डाल दीजिए और फूड कलर डाल दीजिए बट मैं फूड कलर प्रेफर नहीं करती और ख़ासकर जब बच्चे खाते हैं तो जितना आप घर पे बनाते हैं तो उसमें अवॉइड कीजिए कि आप फूड कलर डालें तो मैंने फूड कलर नहीं डाला है अगर आपको बिल्कुल बाजार वाला कलर चाहिए तो आप फूड कलर डाल दीजिए और उसके बाद एक हल्का गाढ़ा सा घोल बना लेंगे और हमारे ट्विस्टर्स के ऊपर डाल देंगे तो ध्यान रखना है ये दिख रहे है आपको कंसिस्टेंसी इतना गाढ़ा हमें बनाना है बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना है कि आपके ट्विस्टर के ऊपर वो रुके भी नहीं और इतना गाढ़ा भी नहीं कि वो सारे में आप लगा ना पाओ तो ध्यान रखना है बिल्कुल हल्का गाढ़ा रखना है एकदम ये देखिए इस तरीके की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए तो ये दो ट्विस्टर मैंने रेडी कर लिए बाकी को हम बाद में लगाएंगे अदरवाइज उसका जो स्लरी है वो पहले ही डिप हो जाएगी तो अब इसको फ्राई कर लेते हैं मैंने ऑयल लिया एक पैन में जिसमें थोड़ा सा हमारी ये स्क्यूवर के साथ अंदर चला जाए कढ़ाई में ये नहीं जाएगा कढ़ाई में डालने के लिए हमें ये इसमें से निकालना पड़ेगा और निकालेंगे तो आपका ट्विस्टर पूरा टूट जाएगा तो बस तेल हल्का मीडियम हॉट ऑयल में हमें रखना है और मीडियम फ्लेम पर आराम से क्रिस्पी होने तक इनको पका लेना है ये देखिए ऑरेंज हो चुके हैं अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं तेल को झाड़ दीजिए और निकाल दीजिए ऐसे करके अपने बाकी ट्विस्टर्स को भी रेडी कर लेंगे आप ये देखिए तो हमारे ट्विस्टर्स रेडी हैं अब इसके ऊपर स्प्रिंकल करने के लिए जो मसाला बनता है वो बना लेते हैं और फिर आपके एकदम टॉर्नेडोज बिल्कुल तैयार हैं तो ये मैंने लिया है चाट मसाला लाल मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर तीनों चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद एक बार आप मिक्स करके देख लीजिए अगर आपको नमक कम लग रहा है तो थोड़ा सा काला नमक आप डाल सकते हैं क्योंकि चाट मसाले में बहुत ज़्यादा नमक होता है इसलिए मैंने नहीं डाला है अगर आपको ये मिक्स करने के बाद कम लगे तो आप डाल लीजिए अब इसको स्प्रिंकल कर देंगे अपने टॉर्नेडोस के ऊपर ट्विस्टर्स के ऊपर और थोड़ा सा गार्निश कर देंगे उन लोगों की तरह जो स्ट्रीट वाले मे सर्व करते टाइम डाल देते हैं वैसे और ये आपके पोटैटो टोनेटोज बिल्कुल तैयार हैं बहुत इजी सिंपल सी रेसिपी है एक दो बार थोड़ा सा टफ़ आपको लगेगा उसके बाद बहुत इजी हो जाएगा बनाना तो ज़रूर रेसिपी को ट्राई कीजिएगा टेस्टी बहुत लगेगी आपको ये मैं बता रही हूँ तो रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको रेसिपी कैसी लगी मैं आप लोगों से मिलती हूँ अगले वीडियो में टिल देन बाय टेक केयर डो नॉट फॉरगेट टू तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड यू गाइस कैन ऑल्सो चेकआउट माई इंस्टाग्राम पेज लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो सी यू गाइस सुपर सून इन माई नेक्स्ट वीडियो बाय बाय